हेलो, हाय, नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, देखो जी, हम तो करते हैं नौकरी। पता ही है आप लोगों का यार, नौकरी मतलब ऑफिस का टाइमिंग, इसलिए बता रहा था कि नौकरी करते हैं करके, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो हम तो आए ऑफिस से लंच के लिए, है ना। ये जो पीछे से निकली अभी, ये लंच बनाने वाली, लेकिन इस घर में और एक प्राणी है, तो उनसे पूछते कि हाउ इट फील्स व्हेन योर स्कूल इज ऑन एंड यू आर ऑन ऑफ। मतलब आपका स्कूल तो चल रहा है, स्कूल है, लेकिन आप छुट्टी पे हैं, तो उस दिन कैसा रहता है? तो मैंने कहा आज पूछ लो जरा। वैसे ही है, स्कूल की छुट्टियां नहीं करती बिल्कुल भी। आज रीजन कुछ और है, थोड़ा बीमार है, खूं खां खूं खूं जो आ रही है ये। आप मतलब कोई बूढ़ा नहीं बैठा है, क्योंकि हम तो जवान हैं। पीछे बैठी है म्यू, उसी को पूछते हैं। और ये देखिए, ये भी आज यहाँ पर है, ये यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे लिए करेंगे खाना पीने का इंतजाम। तब तक म्यू को दिखाता हूँ कर क्या रही है ये। रेहान जी, सो कैसा रहा आपका दिन? कैसा लगता है जब स्कूल ऑन है लेकिन आप ऑफ में हो? अच्छा भी बुरा भी, अच्छा भी। और बुरा भी। क्या किया वैसे सुबह से आज? अगर स्कूल होता है तो हम बैग पकड़ के, झोला पकड़ के स्कूल चल देते हैं, लेकिन आज क्या किया? मैं संस्कृत पर रहा, अरे, छुट्टी में भी पढ़ाई? साइंस पर रहा। साइंस पढ़ा? मतलब यहाँ भी घंटी बज रही थी क्या? टन टन, एक एक पीरियड चल रहा था, तो नहीं, जितनी देर जो मन कर रहा था, जितने और देर। जीके तो क्या अंतर लगा स्कूल में जब हम होते हैं और जब घर पर होते हैं? क्या स्कूल अंतर में है दोस्त होते हैं, स्कूल में? मजा स्कूल आता है पागलपंती करने में। पागलपंती करने में मजा आता है? हाँ, क्यों, पढ़ाई वढ़ाई करने में मजा नहीं आता? आ जाता है। आज पढ़ाई तो यहाँ पर भी कर ही रहे हैं ना, लेकिन नहीं, स्कूल पर में, स्कूल में अलग ही वो होता है, स्कूल में सबसे क्योंकि बड़ा, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, और पता हाँ नहीं क्या क्या पागलपंती होती रहती है। वही, सबसे सबसे मज़ेदार ये है कि फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, है ना। दैट मजा आता दैट पार्ट इज द मोस्ट मज़ेदार पार्ट, है या नहीं है? तो आज सही घर में बात। कौन था आपका दोस्त? कोई भी नहीं। मैं आ गया ना अब तो अब हम दोनों करेंगे थोड़ी देर मस्ती। और फिलहाल ये आज इसकी है छुट्टी, तो इसने ऐसे मोबाइल टांग लेना है चुप और रहो। उसके बाद कान में फंसा लेना है, और ये चलता रहेगा और दिन भर खाती रहेगी, यही चलता रहेगा इसका। खाएगी चिड़िया की तरह छोटा छोटा। तो आ भैया, जाता स्कूल है, का ये बहुत कम मारती है बंक। आज इसने बंक नहीं किया है, एक्चुअली तबीयत बंक नहीं होता थोड़ा, नहीं, ये। पता है मुझे बंक नहीं होता, तो आज थोड़ा सा ऑफ है, वही पूछना चाह रहा था। क्योंकि जब हम लोग मुझे बचपन से में, 5 छुट्टी दी होगी इस पूरे साल में, बाप रे, 5 छुट्टियां, होए होए। पूरे कोई साल कोई में। है भाई जो सुन रहा है, जो कोई इनाम इनाम अवार्ड अवार्ड कर दे इनके नाम तो कहने का मैं मतलब नहीं यह है लेता कि वैसे हाँ, छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्कूल का ऑफ नहीं करती, लेकिन आज थोड़ा सा हमने ही बोला कर लो जी, थोड़ा सा। बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है स्कूल का ऑफ डे लेने के लिए, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा नाजुक सी लग रही थी। मैं कहा रेस्ट ले लो, कि मौसम भी बदल रहा है और पहाड़ों में अगर बर्फ़ गिरेगी तो असर तो यहाँ भी होगा। तो फिलहाल अब ये दिन भर आज इसका ऐसा ही है हिसाब किताब। हम भी आ गए लंच करके, हम तो जाएंगे फिर से ऑफिस, यानी कि स्कूल। मेरा स्कूल ऑन है, मेरा बंद नहीं है, मेरा स्कूल ऑन है। और इसका है आज, इसका भी स्कूल तो ऑन है, लेकिन ये नहीं गई है। तो जब भी बचपन में अक्सर जब हमारी छुट्टियां हुआ करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे पहले अगर स्कूल चलता रहे लगातार, तो ऐसा लगता था यार छुट्टी हो जाए तो कितना मज़ा आता है ना। लेकिन जब छुट्टी हो जाती थी तब ऐसा लगता था, अरे यार स्कूल ही सही था, कम से कम दोस्तों के साथ इधर से उधर खेलते रहते हैं। भाई हम जब गाँव में थे, तो गाँव में तो फिर थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है, किसी ने कहा ये लपका दे, किसी ने कहा वो लपका दे, मतलब लेके आ जा, तो ऐसा चलता था। उसके बाद में स्कूल में तो मौज है, फिर जब हॉस्टल चले गए, वहाँ की छुट्टियाँ तो अलग, स्कूल के बाद जो छुट्टी होती थी, आहा, बस दोस्त, क्योंकि हॉस्टल में तो दोस्त भी होते हैं, वो एक अलग ही मज़ेदार था जब अरुणाचल में थे। फिर आ गया जी मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी में जब स्कूलिंग चल रही थी केंद्रीय विद्यालय से, तो किस दिन छुट्टी होती थी तो हम निकल जाया करते थे खेलने। और भाई खेलने ऐसा निकलते थे कि ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, और उसके बाद खेलते रहते थे दिन भर, ना आने का पता ना खाने का पता। ऐसी होती हैं छुट्टियाँ। अब यहाँ तो क्या देखो, बैठी हुई हैं बस, अब यही छुट्टियाँ तो कान में तो डालना ही डालना है फिर, यानी कि मोबाइल देखो थोड़ी देर, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड हिसाब किताब से मिलता है, क्योंकि घर में एक जो घर की मॉनिटर हैं वो कमाल है हमारे यहाँ ना, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा मुझे भी, वरना अंदर से खाने के बदले कुछ और भी आ सकता है, वो जिससे बेलते हैं ना रोटी वोटी, वो भी आ सकता है, तो खुद को बचा लेता हूँ। चलिए,
फिलहाल आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, खूब मौज कीजिए, मजे लीजिए।